हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन ऑफ IOQM 10 मार्कर सीरीज। गाइस, इन दिस सीरीज वी आर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट इन 10 मार्कर क्वेश्चंस फॉर IOQM, राइट। सो गाइस, आई एम हैविंग दिस हाइपोथेसिस कि लाइक IOQM के जो 10 मार्कर क्वेश्चंस होंगे माइट बी वेरी मच नियर टू RMO लेवल, जो पहले RMO होता था, राइट, बिकॉज सिंस दैट स्टेज हैज बीन एलिमिनेटेड नाउ। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू पिक अप सम RMO प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली फॉर दिस सीरीज। ओके, सो दिस टाइम अराउंड ऑल्सो आई पिक्ड अनदर क्वेश्चन ऑफ RMO। ओके, सो दैट क्वेश्चन बट इज बेस्ड ऑन PNC, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, राइट। उस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो लेट अस बिगिन विदाउट मेकिंग एनी डिले। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं उसका। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन गाइज। हमें गाइज क्वेश्चन समझने की जरूरत है बिकॉज क्वेश्चन एज सच आर जनरली इजीज इजी, राइट। तो IOQM में डोंट एक्सपेक्ट दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, यू नो, यू कैन नॉट से कि सर बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आएगा। यू जस्ट ओवर एस्टिमेटिंग दैट थिंग बिकॉज उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। गाइज थिंक अबाउट दिस, 10 मार्कर क्वेश्चन सिर्फ दो हैं, है ना। एंड ऑल्सो दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चन आर स्टिल 24, 30 से बहुत थोड़े से क्वेश्चन कम किए हैं। एंड 5 मार्कर क्वेश्चन भी ठीक ठीक लेवल पे होंगे। द नंबर ऑफ दोज गुड क्वेश्चन हैव ऑल्सो बीन इंक्रीज, राइट। सो दैट्स व्हाई यू कैन एक्सपेक्ट जो ये 10 मार्कर क्वेश्चन हैं दैट विल बी लाइक अ बिट टाइप ऑफ 5 मार्कर क्वेश्चन जो पहले आते थे और अ बिट हायर अप टू RMO लेवल। उससे ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाले। एंड वी आर पिकिंग अप RMO क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम RMO क्वेश्चन उठा रहे हैं सो देन वी आर डूइंग जस्टिस टू द लेवल ऑफ द क्वेश्चन, राइट। चलो तो समझते हैं पहले इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अगेन आई वुड सजेस्ट वन थिंग गाइज, बट इस क्वेश्चन को करने से पहले, दिस वीडियो देखने से पहले, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। पहले खुद ट्राई करो एंड देन वेरीफाई योर आंसर। यू विल सी कि आपका आंसर पहली बार में सही नहीं हो पाएगा, बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, है ना। सो डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द थिंग्स। तो ध्यान से करो, यू श्योरली लर्न समथिंग बाय दैट वे। ओके, अगर आप पॉज करके पहले खुद ट्राई करोगे और फिर सोल्यूशन देखोगे, ठीक है, दैट इज अ मस्ट। ओके, आई होप सबने ट्राई कर लिया क्वेश्चन को। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गाइस, लेट एक्स बी अ सेट ऑफ 10 नंबर्स, 1 2 3 4 अप टू 10, 10 नंबर है एक्स सेट के अंदर। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेट ए एंड बी, है ना। ए और बी सेट का एक पेयर बनाना है, मतलब कैसे अरेंज करना है, बनाने हमें सेट्स ए और बी, सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स और कैन बी इक्वल टू एक्स एज वेल। पूरा का पूरा ए सेट जो है पूरा एक्स हो सकता है ना। लाइक ए कैन बी इक्वल टू एक्स एज वेल, इसका मतलब ये होता है सिंपल, बेसिकली सबसेट और इक्वल टू काइंड ऑफ थिंग। एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ और इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड देयर इज अ कंडीशन दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ऐसा नहीं है कि दोनों एक्स हो जाए या फिर दोनों सेम हो जाए। एंड कंसिडरिंग ए इंटरसेक्शन बी इज 2, 3, 5, 7, तो ए और बी के साथ कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, 2, 3, 5 और 7 होने चाहिए। सो गाइस, अगर आप इसको सिंपली ऐसे क्वेश्चन को देख के सोचोगे तो बहुत ईजिली समझ में नहीं आएगा। बट देयर इज अ वेरी गुड अप्रोच टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज वी कॉल देम वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब क्या है, हम इनको जो सेट्स हैं उनको हम फिगरेटिवली और डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते होते हैं, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड गाइज, लेट अस पिक ड्रॉ टू सर्कल्स, ओके, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड लेट अस से जो आपका एक्स सेट है, ओके, दैट इज द यूनिवर्सल सेट इन दिस केस, दैट इज दिस रेक्टेंगल। ओके, सो लेट मी नेम देम एज वेल। सो लेट से दिस इज द सेट एक्स, ओके, आउटर मोस्ट दैट इज द सेट एक्स, एंड दिस इज सेट ए। दिस सर्कल ऑन द राइट सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग सेट बी, राइट। तो गाइज यहां पे मैंने जो डायग्राम बनाया इट शोज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, उसके बाहर तो जा नहीं रहा, एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एक्स, आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट। ठीक है, एटलीस्ट शो करने में। और आपको क्या पता है, यू नो, नाउ यू हैव टू बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट द एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आना चाहिए, है ना, ये बनाना है आपको। एंड यू नो, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते। ओके, नाउ यू नो, यू गाइज नो इसके अंदर, है ना, कौन सा एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइक द ओवरलैप्ड रीजन। दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो वॉट डज इट से टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7। तो गाइज जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 एंड 7 शुड कम इन दीज टू दिस प्लेस, 2, 3, 5 एंड 7। यहाँ पे एग्जैक्टली 2, 3, 5 और 7 आ जाएगा इन द एरिया कॉमन टू बोथ, विच इज ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। ये बात तो सबको समझ में आ रही है।
नाउ हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू मेक पेयर्स या फिर कंस्ट्रक्ट द सेट ए एंड बी. ठीक है, अब हम हर एलिमेंट के लिए बात करेंगे ना गाइस. अब अगर लेट से अब कितने एलिमेंट बचे, व्हाट ऑल एलिमेंट्स आर लेफ्ट विच वी हैव टू अरेंज. 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया, 4, 5 आ गया वहां पे, 6, 7 वहां पे है, 8, 9 एंड 10. सो देर आर 6 एलिमेंट्स दैट आर लेफ्ट दैट वी हैव टू अरेंज इन द वेरियस पोर्शंस ऑफ दिस. और यू कैन से एक्चुअली समझना इजी हो जाता है जब आप इस फॉर्म में सोचते हो. ठीक है ना, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसके पास कितने ऑप्शंस हैं गाइस, कितने ऑप्शंस हैं ए के पास. 1 द ऑप्शन 1 सॉरी द डिजिट 1 द और द एलिमेंट 1 वो कहाँ कहाँ जा सकता है, मतलब वो सेट ए के अंदर हो सकता है. मीनिंग सेट ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है. सो दैट रीजन इज दिस वन. ओके, मैं नाम दे सकता हूँ इसको. एक काम करते हैं, लेट्स से दिस रीजन इज पी, दिस रीजन इज क्यू, दिस रीजन इज आर, राइट. सो पी रिप्रेजेंट्स सेट ए विच इज आउट बट रिमूविंग द कॉमन एलिमेंट्स, ये वाला रीजन रिप्रेजेंट हो रहा है पी के साथ, राइट. ऐसे ही क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बी के अंदर एक्सेप्ट द कॉमन रीजन, एंड आर इज द आउटर रीजन विच इज नॉट कंटेन्ड इन बोथ ए एंड बी बट इट इज देयर इन एक्स. ठीक है, तो गाइस जो एलिमेंट वन है, वो कहाँ पे जा सकता है, हाउ मेनी ऑप्शन डज इट हैव. इट हैज इट कैन आइदर गो इनटू द एरिया पी, एरिया क्यू और एरिया आर. 3 ऑप्शंस हैं फर्स्ट एलिमेंट के पास, सो इट हैज 3 ऑप्शंस. 4 के पास जो सेकंड एलिमेंट 4 है, 4 जो एलिमेंट है वो भी पी में जा सकता है. देखो अगर पी में जाता है इसका मतलब क्या है, ए सेट के अंदर है, बी के अंदर नहीं है और कहीं नहीं है. ठीक है, तो पी के अंदर, क्यू के अंदर या आर के अंदर, इट अगेन हैज 3 ऑप्शंस. सो लाइक दिस एवरी एलिमेंट हैज 3 ऑप्शंस, राइट, एंड देर आर 6 सच एलिमेंट्स. सो इट विल अकर 6 टाइम्स. बट इसमें एक प्रॉब्लम है गाइस. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में हमें ये भी दिया हुआ है दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, राइट. ए इज नॉट इक्वल टू बी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, जो हम ये कर रहे हैं पी क्यू और आर 3 ऑप्शन दे रहे हैं हर एलिमेंट को. उससे ए इज इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, बी इज इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, दैट इज सेटिस्फाइड ऑलवेज. उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हमेशा उसके अंदर ही है क्योंकि पी तो एक्स के अंदर ही है ना, क्यू भी सॉरी ए भी एक्स के अंदर है, बी भी एक्स के अंदर ही है. प्रॉब्लम कब आएगी, एक कंडीशन हमने चेक नहीं की है, ए नॉट इक्वल टू बी. गाइस अगर ऐसा हुआ कि सारे एलिमेंट्स आर के अंदर ही चले गए, राइट, दिस 3 × 3 × 3 6 टाइम्स हो रहा है, दैट इज 3^6, राइट, दैट वैल्यू इज 3^6. दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर. वाई, अब हो सकता है सारे एलिमेंट्स आर के अंदर चले जाएं. देखो मैं आपको बताता हूं, अगर सारे एलिमेंट्स पी के अंदर चले गए लेट्स से, देन ए विल बी इक्वल टू एक्स, दैट इज फाइन. ए सबसेट और इक्वल टू एक्स लिखा हुआ था है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सारे के सारे क्यू में चले गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी इज सबसेट और इक्वल टू एक्स हो जाएगा बी उस केस में. बट अगर आर के अंदर चले गए सारे के सारे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, पी के अंदर एम्प्टी है, क्यू भी एम्प्टी है, मतलब ए और बी सेट के अंदर सिर्फ ये 2, 3, 5, 7 एलिमेंट्स ही होंगे, एलिमेंट्स 2, 3, 5 एंड 7 ही होंगे. इन दैट केस ए विल बी इक्वल टू बी, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा. तो वो एक हमें केस माइनस करना पड़ेगा, बी केयरफुल इन दैट, क्योंकि ए इक्वल टू बी भी बन रहा है हमने अरे 3^6 के अंदर. द नंबर ऑफ वेज दैट वी आर काउंटिंग एज 3^6, उसके अंदर सिंगल केस ऐसा है जब सारे एलिमेंट्स ने आर एरिया चूज किया है ना, आर पोर्शन चूज किया जाने के लिए, तो पी और क्यू एरियाज खाली रह गए, वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं गया. सो -1 आप करोगे इसके लिए, राइट. ऑल द अदर केसेस आर फाइन है ना, और तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. इतना सिंपल क्वेश्चन है पी एंड सी का ये, कि इसमें सॉल्विंग कुछ ज्यादा नहीं है बट ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई केस छूट जाता नहीं तो है ना. सो 3^6 -1 एंड व्हाट इज 3^6, आप चेक कर सकते हो. दिस इज बेसिकली 9³ -1, सो 729 -1, दैट आंसर शुड बी 728, राइट. सो 728 आपका आंसर आ जाएगा. सो आईयूकेम के अंदर वेरी सिंपली दे कैन आस्क यू व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स और समथिंग, राइट. अगर सम ऑफ डिजिट्स पूछ लिया जाएगा 17 आ जाएगा. यू कैन, इट कैन बी इजिली बी कन्फॉर्म टू द फॉर्म ऑफ आईयूकेम, राइट, दैट इज नॉट अ बिग डील. बट सॉल्व करने का मेथड जो है वो क्लियर होना चाहिए. सो यूजिंग द वेन डायग्राम्स मेक इट वेरी इजी इन मोस्ट ऑफ सच काइंड ऑफ केसेस, जहां पे आपको फंक्शंस बनाने होते हैं, मैपिंग करनी होती है नहीं तो, या फिर सेट्स क्रिएट करने होते हैं जहां पे इस तरह की कुछ कंडीशंस दी हो मल्टीपल, क्योंकि एक ही बार में इतनी कंडीशंस दी है, यू आर नॉट एबल टू, विल नॉट बी एबल टू थिंक अबाउट इट एज इजीली एज वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन. वो जो दिख रहा है इतना ईजी, एक्चुअली इतना ईजी लगता नहीं है फिर, अगर आप ये मेथड नहीं यूज करते हो, राइट. सो आई होप गाइस दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. सबको मजा आया इसमें, कुछ लर्न किया उन सबने.
ओके, इफ यू गाइज लर्न समथिंग प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. हम और वीडियोज के साथ आते रहेंगे. ओके, सो आई होप गाइज सबको समझ में आइए, मजा आया. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट IOCM 10 marker level of question. Okay, till then, keep practicing and all the best, guys. Take care. Bye bye.